हेलो एवरीवन, इस वीडियो लेक्चर में हम एक और इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और क्वेश्चन हमेशा की तरह मैंने आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से ही लिया है। दोस्तों, क्वेश्चन है, ए सर्टेन टाइप ऑफ कोल इज बर्न्ड एट द रेट ऑफ 0.5 kg/s इफ़ द सल्फर कंटेंट ऑफ द कोल इज़ 5% एंड 5% ऑफ द सल्फर रिमेन इन ऐश, हाउ मच सल्फर डाइऑक्साइड इज़ फॉर्म्ड पर डे। दोस्तों, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सिंपल सी कैलकुलेशन से ये सोल्व हो जाएगा। सबसे पहले तो हमारा पहला काम होता है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन में क्या हमें दिया गया है और क्या हमें कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक कोल है जो 0.5 kg/s के रेट से बर्न हो रहा है, उस कोल में 5% सल्फर है, और जब वो बर्न हो जाता है तो 5% जो सल्फर है वो आपके ऐश में रह जाती है। तो हमें ये बताना है कि वहाँ से, उस जगह से कितना सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रहा है पर डे। ठीक है, तो पर सेकंड कितना कोल बर्न हो रहा है, 0.5 kg। अब हमने पर डे के लिए कैलकुलेट करना है, इसके लिए पहले हमने सेकंड को मिनट में कन्वर्ट किया, उसके लिए हमने इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर हमने मिनट से आर बनाए, फिर इसके लिए हमने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर हमें पर डे के लिए कैलकुलेट करना है तो हमने 24 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 0.5 × 60 × 60 × 24 कितना आपको मिला, 43,200 kg/day। ये फिगर आपको कोल की मिली है कि इतना कोल आप एक दिन में बर्न कर रहे हो। अब इसमें 5% जो है वो सल्फ़र है, तो हमने ये देख लेना है कि इसमें कितना सल्फ़र कंटेंट है। तो सिंपली हमने कैलकुलेट कर लिया कि 43,200 kg का 5% कितना होता है, 2,160 kg। इतना सल्फ़र जो है वो आपके कोल में है। अब इस सल्फ़र में से भी 5% जो है वो ऐश में चला जाता है, तो अब हमने इसका फिर से 5% निकाल लेना है। तो 2,160 का 5% कितना होता है, 108 kg। यानी कि अब आपको यहाँ से एक ही चीज़ दिमाग में आनी चाहिए कि भाई 108 kg सल्फ़र तो आपकी ऐश में नीचे सेटल डाउन हो गया। ठीक है, ऐश के साथ में आपका 108 kg जो सल्फ़र है वो नीचे बैठ गया है। अब केवल 2,052 kg सल्फ़र ऐसा है जो कि आपकी स्टैक से, चिमनी से ऊपर निकलेगा। ठीक, सबको ये चीज़ समझ में आ गई होगी आई थिंक। टोटल ऐश में से 5% जो है वो नीचे सेटल डाउन हो गया और बाकी का जो है वो चिमनी के थ्रू ऊपर निकलेगा। ये है सल्फ़र। ठीक है, इतना सल्फ़र निकलेगा। अब अगर हमसे कोई पूछे कि SO2 कितना निकलेगा, तो आप सभी को पता ही है कि जो आपका SO2 होता है उसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 64, और उसमें जो आपका आधा जो है मॉलिक्यूलर वेट का यानी कि 32, वो कितना है आपका, क्या है, सल्फ़र। यानी कि अगर सल्फ़र 1 kg निकलता है तो SO2 कितना निकलेगा आपका, 2 kg। सिंपल सी चीज़ है। तो जितना भी सल्फ़र कंटेंट रिलीज होगा उसका दुगना क्या रिलीज होगा, SO2। तो सल्फ़र कितना रिलीज़ हो रहा है, 2,052, तो आपका SO2 कितना रिलीज़ होगा, 4,104 kg। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल अब कोई इसमें डाउट नहीं रहा होगा, समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। बट फिर भी अगर कोई डाउट है आपको मेरे किसी भी क्वेश्चन पे, किसी भी एक्सप्लेनेशन पे, किसी भी आंसर पे, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेरी बेस्ट विशेज़ आपके साथ में हैं। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।